आज मैंने बनाया है सूजी से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत इजी है। बच्चों का लंच बॉक्स हो या अचानक से गेस्ट आ रहे हो, आप इसे बहुत तेजी से बना सकते हैं। और आज तो मौसम भी है, दस्तूर भी है, बारिश हो रही है, तो इस तरह का नाश्ता तो आज बनाना बनता ही है। तो चलिए झटपट देखते हैं कैसे बनाते हैं। नमस्ते, दिस इज पूजा, इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत है। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 टेल के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी, और पानी में हम उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे इसमें हम सूजी डालेंगे। ये बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है मैंने। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए मिक्सी में चला लें। और अब बराबर हम इसको चलाते रहेंगे। एक कप सूजी के लिए 2 कप पानी का यूज़ करना है। और अब ये कुछ ही देर में जो हम डो रेडी करते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसा ही कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी आटे जैसी। तो ये देखिए सूजी एकदम आटे की तरह हो गई है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सूजी को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। सूजी के ठंडा होने तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने 1/2 कप पनीर लिया है, ये घर का बना हुआ पनीर है। यदि आपके पास पनीर नहीं है तो आप आलू का, उबले हुए आलू का यूज़ भी कर सकते हैं। अब पनीर को हम मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। किड्स के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज, ये मैंने आधी प्याज ही ली है। नमक ऐड करेंगे, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने सूजी में भी नमक का यूज़ किया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मैगी का मैजिक मसाला। इस मसाले से ये जो नाश्ता है इसको एकदम नया टेस्ट मिलेगा। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये एकदम ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। सीजनिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। नाउ आवर टेम्पटिंग स्टफिंग इज रेडी। तो चलिए अब अपनी सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी भी हमारी ठंडी हो गई है। अब अपने हाथों पे हम ऑयल लगाएंगे और इस नाश्ते को आपको जो भी शेप देनी है, आप सूजी का पोर्शन लेकर बीच में स्टफिंग को भर देंगे। और इसके बाद इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने पसंद की। मैंने चौकोर शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और इस नाश्ते को आप क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा तेल भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने स्टफ बॉल्स डाल देंगे। आप चाहें तो एयर फ्रायर में इनको बना सकते हैं या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, साथ में बनाना भी इसको काफ़ी इजी है। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फ्लिप कर देंगे और सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए आज तो मौसम ने भी इजाज़त दे दी है कि आज कुछ डीप फ्राई और टेस्टी सा खाया जाए। तो बहुत ही परफेक्ट वेदर है,
सूजी के स्टफ्ड कटलेट खाने का। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म सूजी का नाश्ता रेडी है, मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।